मुरादाबाद में डीएम कार्यालय के सामने अपने खून से प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन लिखकर सफाई कर्मचारी संघ से जुड़े दर्जनों कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांग करते हुए हड़कंप मचा दिया है। इन कर्मचारियों ने प्रदेश की योगी सरकार को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो लखनऊ में विधानसभा के सामने भी अपना खून बहाने से पीछे नहीं हटेंगे और आगामी 2022 के विधानसभा में भाजपा सरकार को सबक सिखा देंगे। दरअसल इन कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक विरोध प्रदर्शन किया और अपनी 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी कुछ अलग ढंग से डीएम कार्यालय के ठीक सामने लिखने बैठ गए। पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ से जुड़े दर्जनों कर्मचारियों ने अपनी मांगे एक ज्ञापन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी तक कुछ अलग ढंग से पहुँचाने का प्रयास किया है। इन कर्मचारियों ने अपने खून से अपनी मांगे लिखकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और भाजपा की प्रदेश सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगामी विधानसभा के चुनाव में वो लोग भाजपा को सबक सिखाने का काम करेंगे। आज किस विषय को लेकर आपने प्रदर्शन किया है? हमने पुरानी पेंशन को लेकर आज यहाँ प्रदर्शन किया है और हमने अपने खून से पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और प्रमुख सचिव को और पंचायत राज मंत्री जी को। हम अपने खून से पत्र लिख रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करी जाए, हमारा सेवानिवृत्ति बनाई जाए और हमारी इस तरह की 5 मांगे हैं, पदोन्नति करी जाए, पेरोल व्यवस्था समाप्त की जाए। हमारी ये हमारी 5 मांगे हैं और ये 5 मांगों को लेकर हम अपने खून से मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को ये लेटर लिख रहे हैं। अगर इस पर भी असर नहीं होता है, सरकार अगर नहीं करती है तो आगे को फिर और कदम बढ़ाया जाएगा। आने वाले चुनाव में उनको इसका 2022 में इसका खुद परिणाम उनको मिल जाएगा कि कर्मचारी हित में आपने क्या किया, कर्मचारी आपके बारे में क्या सोचेगा। जब आप जब कांग्रेस सरकार थी केंद्र में, अपने ये योगी जी, माननीय योगी जी सांसद थे, उस समय पुरानी पेंशन के लिए एक पत्र लिखा था डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी को कि इनकी पेंशन जो है लागू की जाए। आज तो ये खुश हुए, स्वयं मालिक हैं। तब ये 4 साल बीत गए, 5वां साल भी एंड हो चुका है, 5 साल बीत रहे हैं। इन्होंने क्या करा कि अभी तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की है। कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती है तो हम कलेक्ट्रेट पर ही हम वादा करते हैं, चाहे हमें यहाँ अपना सारा खून निकालना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मगर हम पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे। चाहे हमें लखनऊ जाके लखनऊ की सर्जरी पे खून पूरा निहलाने पड़े खून से, मगर हम इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे। भीख नहीं, अधिकार हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारे बुढ़ापे की लाठी छीन ली है, वो हम अपनी लाठी छीन लेना चाह रहे हैं। खून की कलम से जो आपने लिखा है, साहब क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आपके मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। अगर नहीं होती है तो 2022 में इनको इस चीज का परिणाम भुगतना पड़ेगा और हमारा खून जो है खराब नहीं जाए।